नवदुर्गा में मुर्गा बनाने से मना किया तो दो दोस्तों ने मिलकर खिला दिया जहरीला पदार्थ। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा खैरू। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परीक्षा में दो दोस्तों ने एक दोस्त को जहरीला पदार्थ खिला दिया। बात इतनी सी थी कि उसे मुर्गा बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने नवदुर्गा में मुर्गा बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। वहीं युवक गंभीर हालत में ग्वालियर में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार खैरू भाई बहादुर पुत्र लक्कू परिहार निवासी खैराई ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि 19 अक्टूबर को शाम 4 बजे भरत एवं अरविंद भाई खैरू के घर पर आए और उससे मुर्गा बनाने के लिए कहने लगे और कहा कि रिश्तेदार आ रहे हैं। नवदुर्गा होने के चलते जब खैरू ने मुर्गा बनाने से मना किया तो उसके साथ बंद कमरे में मारपीट कर दी और जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में शिवपुरी भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। अब वह गंदगी कौन से थाने पड़ता है? सिरसौर थाना पड़ता है। क्या समस्या लेके आए हो? मैं अपने भाई के समस्या लेकर आया हूँ कि रात में 8 बजे उनसे झगड़ा हुआ था भरत अरविंद से परीक्षा में। कौन सी तारीख को? 19 को जी, 19 निकल गई, कल की बात है। अच्छा, फिर रात में वो मारपीट की उसकी। मारपीट करने के बाद उसको सवेरे जहर खिला दिया। जहर खिलाने के बाद नवजीवन में एडमिट कराया। उनसे बोला था कि रिपोर्ट पहुंच गई, रिपोर्ट हो चुकी है। सुबह थाने पर पहुंचे थे, सीरियस सर्वृद्धि के कारण हम उसको लेके थाने पर पहुंचे नहीं, इसलिए उनने ग्वालियर रेफर कर दिया। अब कहाँ तुम्हारा भाई? भाई ग्वालियर रेफर कर दिया है। अच्छा, थाने पे गए तो थाने वालों ने कहे तो हो गई, वो तो रिपोर्ट जाओ। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई अभी यहाँ आयो, आपको क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने हमको बोला कि अब टीआई साहब के यहाँ जाइए पूरी। अच्छा, कार्रवाई करेंगे जी। कौन से थाने में पड़ता है तुम्हारा गांव? गांव पड़ता है सरसौर थाने में हमारा, और झगड़ा हुआ पौड़ी थाने में। अच्छा, पौड़ी थाने भेजने का बोला? हाँ, पौड़ी थाने भेजने।